हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन छुड़िया के मैं विथ रिविजन लेक्चर ऑफ सेक्शन 146। सेक्शन 146 डिफाइंस ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। इसमें बोलता है कि जो एक ऑडिटर एक कंपनी में जो अपॉइंट होते हैं उनका राइट होता है कि वो एक कंपनी का जनरल मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी कंपनी में जो जनरल मीटिंग होता है उसका जो नोटिस होता है वो सेक्शन 101 में डिफाइंड है कंपनी एक्ट का। तो उसमें बोलता है कि जो नोटिस होगा वो आप जो मेंबर लोग को देते हैं तो वो नोटिस आपको ऑडिटर को भी देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि ऑल नोटिस ऑफ एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जो सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में जो नोटिस है, नोटिस डिफाइन है, उसमें बोलता है कि आप जो मेंबर को जो नोटिस देते हैं जनरल मीटिंग का, वो नोटिस आपको ऑडिटर को भी देना पड़ेगा। बोलता है यहाँ पे द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू इस ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल बी द क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर एट द जनरल मीटिंग। बोलता है कि जो जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट होगा, जो जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर है वो अगर खुद भी जा सकता है पार्टिसिपेट करने, अगर उसके पास अगर टाइम नहीं है पार्टिसिपेट करने का तो वो किसी एक प्रोक्सी को भी भेज सकता है, मीन्स अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, और जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी जो भेजेगा वो भी एक क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोलता है कि द ऑडिटर शैल हैव द राइट टू बी हियर्ड। जो ऑडिटर है उसका राइट टू बी हियर्ड मीन्स उसका बोलने का अधिकार है, जो ऑडिटर है उसका बोलने का अधिकार होना चाहिए एक जनरल मीटिंग में। ऑडिटर शैल हैव राइट टू बी हियर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर। हाँ, जो मीटिंग होगा ना उसमें जो ऑडिटर अगर बिजनेस के में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर उसको दिख रहा है तो वो बताएगा इन जनरल मीटिंग। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 146 इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।